हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वर्ल्ड का जो सबसे डेडलीस्ट इंसेक्ट है वो है मॉस्किटो, जिसके काटने से हर साल पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 से 15 लाख लोग मर जाते हैं। और इंडिया के अंदर जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉस्किटो क्रिएट करते हैं वो है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की। और दोस्तों, इनसे बचने के लिए जो हम घर के अंदर गुड नाइट, ऑल आउट जैसे रिफिल यूज़ करते हैं या कोयल यूज़ करते हैं या कोई भी स्प्रे यूज़ करते हैं, उससे मॉस्किटो मरते तो नहीं है, लेकिन उल्टा वो जो पेस्टिसाइड है वो सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा पेस्टिसाइड लाया हूँ जिसका इस्तेमाल साल में आपको केवल एक या दो बार करना है और आपको 6-7 महीने के लिए, एक सिंगल स्प्रे से आपको 6-7 महीने के लिए आपके घर के अंदर मॉस्किटो रिलीफ मिल जाएगा और आपके बच्चे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब इस पेस्टिसाइड को यूज़ कैसे करना है और यूज़ करते टाइम किन किन बातों को आपको सावधानी बरतनी है, वो इस सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पेस्टिसाइड का नाम है आइकॉन 10 CS, जिसे सिजेंटा कंपनी ने बनाया है। और आइकॉन 10 CS के अंदर जो एक्टिव पेस्टिसाइड है उसका नाम है लैम्डा साई हेलोथ्रीन। लैम्डा साई हेलोथ्रीन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है आइकॉन 10% WP के ऊपर, उसके अंदर भी ये सेम ही पेस्टिसाइड है। लेकिन जो आइकॉन WP है उसके अंदर जो है ये पेस्टिसाइड WP यानी वेटेबल पाउडर फॉर्म में होता है, जिसका रिजल्ट 3 से 4 महीने रहता है। लेकिन इसके अंदर और ज़्यादा एडवांस फॉर्मुलेशन यूज हुई है जिसका नाम है CS यानी कैप्सूल सस्पेंशन। कैप्सूल सस्पेंशन जो है काफ़ी लंबे समय तक, ये मान के चलिए कम से कम 7-8 महीने तक आपको बेस्ट रिजल्ट देता है घर के अंदर एक सिंगल स्प्रे अगर आप इसका कर देते हैं। और ये पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, उसका रीज़न है कि इसके अंदर जो कैप्सूल सस्पेंशन होता है दोस्तों, वो एक कैप्सूल की फॉर्मुलेशन में होता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और ज़्यादा समय, लंबे समय तक ये खराब नहीं होता। जब पेस्टिसाइड खराब नहीं होगा तो उसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे ही आप इसका स्प्रे दीवारों के ऊपर करते हैं और मच्छर वहाँ आके बैठता है, बैठने के बाद 10-15 मिनट के अंदर वो मर जाता है, बल्कि और जल्दी मर जाता है। बस डिपेंड करता है उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ठीक है दोस्तों, सिजेंटा कंपनी ने इस पेस्टिसाइड का सबसे पहले जो ट्रायल लिया था वो अफ्रीका के अंदर लिया था, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो मलेरिया और डेंगू की वजह से अफ्रीका के अंदर ही होती हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मच्छर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब इन्होंने इसको यूज़ किया तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर तो इसका रिजल्ट रहा 9 से 10 महीने और कुछ जगहों पर ये साल भर से भी ज़्यादा रिजल्ट इसने दिखाया। हम कहते हैं कि चलो साल भर छोड़ो, अगर साल में 2 बार यानी 6-6 महीने में भी 2 बार अपने घर में आप यूज़ करें तो ये आपको आपके घर में एक भी मॉस्किटो नजर नहीं आएगा। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे से आप कॉमनली पूछते हैं वो है कि ये पेस्टिसाइड हमें मिलेंगे कहां से। दोस्तों, जितनी पेस्टिसाइड मैं अपनी सभी वीडियो के अंदर बताता हूं वो सारे सारे पेस्टिसाइड के लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनको अमेजोन से जाके खरीद सकते हैं या आपके घर के आसपास कोई पेस्टिसाइड की शॉप हो तो आप वहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये पेस्टिसाइड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अब बात आती है दोस्तों, इस पेस्टिसाइड को यूज कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करेंगे और साथ ही यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने पेस्टिसाइड इस बड़े पंप में बना लिया है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप 5 लीटर वाला हैंड स्प्रे पंप यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड कम निकलता है और उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत जल्दी और ज़्यादा पेस्टिसाइड निकलता है। दोस्तों, 5 लीटर वाला जो स्प्रे पंप है उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हैं और उसको आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करने के लिए रेडी हैं, स्प्रे कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं। जब भी इस पेस्टिसाइड का यूज़ घर के अंदर करें, कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए बच्चों को घर से बाहर भेज दें। उसका सबसे अच्छा तरीका तो यह कोई मूवी का टिकट दिला दें, वो मूवी देखने के लिए चले जाएंगे और आप घर के अंदर इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। सबसे पहले एक अच्छा मास्क लगाएं, मैं भी आपको बता रहा हूँ इसलिए मास्क नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मास्क जरूर यूज़ करें, 3M का मास्क ले लें। और इसके अलावा ग्लव्स ज़रूर पहनें और चूंकि आप दूर स्प्रे करेंगे ऊपर तो चश्मा भी लगा लें, जिससे कि आँखों में ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये कि जब भी इस पेस्टिसाइड का यूज़ आप घर के अंदर करें, इसका तरीका यह है कि जो मॉस्किटो हैं जब भी घर के अंदर घुसते हैं तो वो अंधेरे वाली जगहों पर जाके घुसते हैं या फिर सीलन वाली जगहों पे जाते हैं। तो ऐसी घर के अंदर जो सीलन वाली और अंधेरे वाली जगह है वो कौन सी हैं, खासकर आपके बाथरूम हो गए,
आपका जो बेड है उसके नीचे का एरिया हो गया, अंधेरा रहता है वहाँ, आपके सोफों के नीचे का एरिया हो गया, तो ऐसी सरफेस को ज़रूर टारगेट करें। प्लस फ्रिज के पीछे का एरिया हो गया, और जो कोई आपकी अलमीरा रखी है अलमीरा के बैक साइड का एरिया हो गया, तो ऐसी जगहों की पीछे की जो दीवार होती है और सरफेस होती है उसको ज़रूर टारगेट करना है। साथ ही घर की जितनी भी दीवारें हैं अगर सब पे आप स्प्रे कर देंगे इसका, तो वेल एंड गुड, आपको कम से कम 6-7 महीने तो मिनिमम जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा स्प्रे करने की। तो चलिए बताते हैं कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, स्प्रे हमेशा 1.5-2 फीट दूर से करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा एरिया कवर हो और केमिकल बहे ना, एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन हमेशा मेरे से पूछा जाता है कि जो भी हम दीवारों पे या खिड़की दरवाजे के ऊपर स्प्रे करते हैं क्या उसका स्पॉट आएगा? तो दोस्तों, आंसर यह है कि अगर आपकी दीवारों का और खिड़की दरवाजों का कलर डार्क है, देन उस केस में आपको हल्का डस्ट टाइप में स्पॉट नज़र आएंगे, लेकिन वो स्पॉट ऐसे होते हैं कि अगर आप हल्का सा कपड़ा मार दो वो साफ़ हो जाएंगे। लेकिन सलाह मेरी यही है कि मॉस्किटो से बचाव करना है तो उनको लगा रहने दो, छुटा तो कभी भी सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये तरीका है जो घर के बाहर के गेट हैं, खिड़की दरवाजे आपके और वेंटिलेटर्स हो गए, उसके आसपास और बाहर की दीवारों पे आप इस तरीके से स्प्रे कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, जो मॉस्किटो बाहर से आते हैं वो सबसे पहले आने के बाद में आपके बाहर की दीवारों पर रेस्ट करते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है, जैसे ही तो कोई दरवाज़ा खुलता है या गेट के नीचे से जाने का रास्ता मिलता है, वो तुरंत अंदर चले जाते हैं और जाके अंधेरे वाली जगह पर छुप जाते हैं। तो 60-70% तो आपके यहाँ स्प्रे करते ही ख़त्म हो जाएंगे, वो घर के अंदर ही नहीं जा पाएंगे। और जो बचे हैं, जो घर के अंदर जाके अंधेरे वाली जगहों पर घुसते हैं, उनके लिए अब अंदर करेंगे। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। बाथरूम की दीवारें चारों तरफ से करनी है, सारे कोने लेने हैं, और जो आपका कमोड और सिंक के नीचे का एरिया होता है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ऐसे हम सोफे और बेड के पीछे की दीवार और नीचे का फ्लोर ले लेंगे। फटाफट करते हुए चले जाना है, ठीक है ना? ऐसे हम फिर फ्रिज के पीछे का एरिया ले लेंगे और इसके नीचे का एरिया भी। ऐसे ही हम अलमीरा और जो किचन के नीचे का एरिया होता है, अगर आपके घर में है तो ऐसे ले लेंगे, ठीक है? अच्छे से स्प्रे होना जरूरी है। ऐसे ही किचन का जो सिंक होता है उसके नीचे काफ़ी सीलन भी रहती है, अंधेरा भी रहता है, तो उसको भी खोल के अच्छी तरीके से दीवारों पर भी और नीचे की तरफ भी स्प्रे करना चाहिए। और ये पेस्टिसाइड दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी मारता है, तो इसलिए अच्छा है। दोस्तों, घर के सारे कमरों के कोने और दीवारें भी इसी तरह से लेनी है, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो दीवारों में नीचे का एरिया छोड़ दें, 5 फीट ऊपर का एरिया सारा कवर कर लें, ठीक है ना दोस्तों? और ऐसे ही आपके पर्दों का ऊपर का एरिया भी ले लें, क्योंकि वहाँ भी मच्छर बैठ जाते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि शाम के टाइम पे अपने घर की खिड़की दरवाजे बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि उस टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बहुत तेज़ी से अंदर आते हैं। हो सकता है कोई मच्छर दीवार पर ना बैठ के आपकी बॉडी में बैठ जाए और आपको लगे कि ये पेस्टिसाइड तो काम ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये तरीका है इस पेस्टिसाइड को यूज़ करने का और मॉस्किटो ट्रीटमेंट अपने घर में करने का। अगर ये ट्रीटमेंट आप खुद करना चाहते हैं तो पेस्टिसाइड का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, वहाँ से जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं और अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये ट्रीटमेंट आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम को बुला सकते हैं और हम आपको बेस्ट सर्विस इंश्योर करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।